दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल, मेरे चैनल, हमारे चैनल वी रिव्यू में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे टॉपिक जिसका थंबनेल आपने ऑलरेडी देख लिया होगा। काफी सारे मेरे भाई मुझे मैसेज कर रहे थे, सर क्या हो गया, हम ज्यादातर जब भी जिस भी मैच में काम करते हैं हमारा लॉस ही होता है। सर ऐसा क्यों होता है, हमेशा हमारा लॉस ही होता है। तो एक वीडियो बनाइए आप लोगों के लिए। पहले तो जो भाई फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं, जितने भाई साथ में सब्सक्राइब करा हुआ है उन्हें तो दिल से सलाम, लेकिन जो भाई फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहा है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो के एंड तक देखना। कुछ काम के पॉइंट्स बता रहा हूं। देखो, पंटर की बर्बादी का कारण, अगर आप बैटिंग लाइन से जुड़े हुए और बैटिंग करते हो रेगुलर बेसिस पे, तो आपके काम की वीडियो होने वाली है। रीजन बताऊंगा क्यों बर्बाद हो जाते हो, किस लिए रोड पे आ जाते हो, किस लिए सर पे लोन हो जाते हैं, कर्जे हो जाते हैं, रीजन क्या है इन चीजों के। पांच रीजन बताऊंगा देखो आपको। सबसे पहला रीजन, ओवर लिमिट, अपनी औकात से बाहर चले जाते हो। ठीक है, सबसे मेन और सबसे बड़ा रीजन है ओवर लिमिट। पता क्या होता है, आप लोगों की थिंकिंग ये होती है कि आज ही कर ले, आज ही बन जा करोड़पति, आज ही कमा ले लाखों और आज ही छाप ले, आज ही खोल ले अपना बैंक। लेकिन ऐसा नहीं है यार, जितनी तेजी से आप चाहते हो कुछ हो जाए, पैसा आ जाए, उतनी तेजी से नहीं आ सकता, जब तक सोचोगे नहीं, समझोगे नहीं। और हमेशा अपनी लिमिट हमेशा कम रखनी चाहिए इस काम की, जिनको नॉलेज है। और जो बहुत बड़े धुरंधर है ना, वो बिल्कुल लो लिमिट से प्ले करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इसमें गर्मी दिखाने से कोई फायदा नहीं है। इसमें गर्मी दिखाओगे आपका खुद का नुकसान होगा। स्लो चलने से फायदा होता है, लिमिट को बिल्कुल स्लो रखो यार, बिल्कुल हल्की लिमिट से। जब चीजें बिल्कुल परफेक्टली समझ में आए तो थोड़ी लिमिट अपनी बढ़ा दो, ओवर लिमिट कभी मत करो। अपनी जेब का भी लगाते हो और उधार मांग के भी लगाते हो, इससे मांग के भी लगाते हो, उससे मांग के भी लगाते हो। आज ही सब कुछ करना, मैच कभी खत्म थोड़ी होता है, मैच तो डेली होते हैं, तो किस बात की जल्दी रहती है, ओवर लिमिट क्यों। एक मैच में सारे पैसे घुस जाते हो, अगले मैच में वेट कर रहे होते हो कि कहीं से कोई पैसे उधार दे दे। तो ये है कंडीशन, इसलिए बर्बाद होता है पंटर। देखो मैं फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ छोटा सा। ये बिल्कुल स्लोली चल रही है, देखो अपने आप डिस्टेंस तय कर रही है। ठीक है, अब अगर ये इस तरीके से चले, इस तरीके से, तो क्या होगा, पलट गई, समझे। तो हमेशा अपनी स्पीड ये वाली रखो भाई, ठीक है, ताकि आपकी गाड़ी पार हो जाए, समझ गए। तो ये छोटा सा एग्जांपल दिया है आपको मैंने, होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगला बताता हूं, अगला रीजन, पांच पॉइंट है, गिनती के ध्यान से सुन लेना, काम की वीडियो होने वाली है आपके। उधार और लोन, बैटिंग करते हो पहले तो इस लाइन में आओ मत, बर्बादी की लाइन है। ठीक है, बहुत ही रेयर लोग होते हैं जो इसमें कमा जाते हैं, नहीं तो मोस्टली 90-95% लोग बर्बाद ही होंगे इस लाइन में, क्योंकि लाइन इस तरीके से बनाई हुई है। अगर खेलते हो तो लॉस होना तय, आज होगा, कल होगा, परसों होगा, होगा जरूर एक दिन, अगर दिमाग और समझ से नहीं करोगे कुछ भी। ठीक है, अगर प्रॉपर इसे ही धंधा बना लोगे कि हाँ यही करना और इससे घर चलाना है, तो पॉसिबल नहीं है, नहीं चल पाएगा। इसको हमेशा सेकेंडरी रखना, हमेशा हर वीडियो में बोलता आया हूँ, हमेशा सेकेंडरी रखना इसको। इसको अगर प्राइमरी रखोगे तो आपके एल लगने तय हैं, आज लगे कल लगे लग जाएंगे। अपना जो मेन धंधा है, कोई भी आपका बिजनेस है, आप जॉब करते हो या कुछ भी करते हो, आप हमेशा उस पर फोकस रखो, प्राइमरी उसको रखो, इसको टाइम पास रखो। ठीक है, अब दूसरी चीज जो बताने वाला था वो था, मेरे बहुत सारे भाई क्या गलती करते हैं, उनके पास फॉर एग्जाम्पल किसी के पास 20,000 रुपए थे, उसकी अपनी सेविंग थी, उसने 20,000 रुपए इस लाइन में खत्म कर दिए। अब वो क्या करता है, वो लोन ले लेता है, पुच्ची पुच्ची एप्लीकेशन है जो दुनिया भर का ब्याज ठोकती है, क्रेडिट कार्ड स्वैप कर लेते हैं लोग फंडिंग के लिए, गोल्ड गिरवी रख देते हैं फंडिंग के लिए, लोगों से उधार ले लेते हैं, दोस्तों से उधार ले लेते हैं, अपने घर वालों से उधार ले लेते हैं, घर वालों से झूठ बोल देते हैं, चोरी तक करते हैं। तो अगर ये शुरू हो गया है ना लाइफ में, तो आप बर्बाद हो चुके हो, कोई कसर नहीं बची आपके बर्बाद होने में। क्योंकि अगर इस नौबत तक आ गए हो कि आपको चोरी करनी पड़ रही है, आपको अपना सामान गिरवी रखना पड़ रहा है, इस काम के लिए अगर सामान गिरवी रखोगे तो सामान कभी छूटेगा नहीं दोबारा, या इस काम के लिए अगर किसी चीज को अपनी बेच रहे हो तो वो चीज दोबारा बनेगी नहीं, याद रखना। अगर आपको लगता है आप किसी से कर्जा लेके या कोई चीज बेच के कवरिंग कर लोगे, तो कवरिंग के पीछे भागोगे तो कब्र तक पहुंचोगे, याद रखना इस बात, समझ गए मेरे भाई लोगों। देखो जो चीजें समझाता हूं ना आपको, यूट्यूब पे कोई नहीं मिलेगा ऐसा, चैनल बहुत बना रखे हैं बकचोदों ने साले, गुरुजी फलाना ये वो दिखना, बहुत सारे चैनल। तो थोड़ा सा चीजों को समझो,
ठीक है, उसको फॉलो करा करो जो काम का बंदा हो। मैं पैसे नहीं मांगता किससे टेलीग्राम पे टीम बताने के, रिपोर्ट देने के, मेरा काम है सिर्फ आपको थोड़ा सा अवेयर करना हो तो वो करता रहता हूँ मैं। तीसरा रीजन बताता हूँ, देखो टिपर्स को फॉलो करते हो आप लोग, अपने दिमाग का यूज नहीं करते, शायद है ही नहीं, है ना। टिपर्स को फॉलो करोगे किसी और के चक्कर में पैसे घुसा देते हो कहीं जाके। चेन्नई मुंबई का मैच है, आपको चेन्नई पसंद है, आपके टिप्पण ने बोला मुंबई पे पैसा लगा, तो आपने मुंबई पे पैसा लगा दिया और चेन्नई जीत गई, माथा पकड़ के बैठे होते क्या कर दिया मैंने। अब वो भी आपके जैसे ही लोग हैं, आपसे ज्यादा दिमाग नहीं है किसी के अंदर, आप भी ह्यूमन बींग हो, वो भी एक इंसान ही है, जितना दिमाग आपको दिया ऊपर वाले ने उतना ही उसको दिया है, वो कैसे चूतिया बना सकता है आपका जब तक आप चूतिया नहीं हो। समझो मेरी बात को, अगर चीजें समझोगे तो ये बहुत बहुत बड़ी बात है, नहीं समझोगे तो कुछ भी नहीं है। ये वीडियो सिर्फ मैं उन भाइयों के लिए बता रहा हूँ, मेरे बहुत सारे भाई मुझसे पूछ रहे थे सर हम बर्बाद हो गए, हमारी बर्बादी का रीजन ही है, हम क्यों बर्बाद हो गए, इसमें क्यों नहीं जीत पाते हम, तो बता रहा हूँ आपको, ठीक है। टिपर्स टिपर्स को फॉलो करना छोड़ दो, किसी के पास कोई रिपोर्ट नहीं होती, तो ये बहुत सारी वीडियो में बोल रखा है मैंने, ठीक है। अगला रीजन बहुत बड़ा रीजन है, कैसीनो प्ले करते हो, कंप्यूटराइज कैसीनो है, आपकी किस्मत ही किसी और के हाथ में, मशीन के हाथ में, कभी जिता देगी आपको? जिन्होंने कैसीनो के सॉफ्टवेयर बनाया वो आपके फायदे के लिए बनाया क्या? ऑनलाइन कैसीनो में नहीं जीत सकते आप, दो दिन जीतोगे, चार दिन जीतोगे, पांचवें दिन सारा माल देके आओगे वापस ब्याज के साथ। तो सॉफ्टवेयर ही ऐसा बनाया है, वो थोड़े से पैसे देता है, लालच दिखाता है, उसके बाद कहता है ला दे दे अब सारे, डबल ट्रिपल करके भी, ठीक है। अगला रीजन, गैप नहीं डालते, बुराई चल रही है बुराई पे बुराई चिपकाते हो आप, मीन्स एक मैच में लॉस हुआ दूसरा भी खेलोगे, तीसरा भी खेलोगे, चौथा भी खेलोगे, पांचवा भी खेलोगे। अबे एक मैच में लॉस हो गया, रेस्ट करो दो दिन, चार दिन, तीन दिन, पांच दिन, और कोई काम में काम कमाओ, किसी और काम से पैसे। पीछे भागोगे ना कि अब जीतूंगा अब जीतूंगा अब जीतूंगा, तो वहां पहुंच जाओगे जब भीख मांगोगे कटोरा लेके हाथ में, ठीक है। तो थोड़ा सा चीजों को समझा करो, अगर दिख रहा है आज का दिन ठीक नहीं है तो छोड़ दो, गैप डालो, पांच सात दिन का गैप डाल दो, पांच सात दिन का नहीं एटलीस्ट दो तीन दिन का तो गैप डालो। आज का दिन बुरा है तो उस बुराई को सुबह भी हार गए, दोपहर को भी हार गए, शाम को भी हार गए, अगले दिन के लिए पैसे ही नहीं। तो ये कुछ रीजन बता दिया आपको, थोड़ा सा चीजों को समझे, बर्बादी का कारण ही है, और सबसे बड़ा बर्बादी का कारण है उधार मांग के जुआ खेलना। उधारी तो आपको रोड पे लेके आएगी आएगी, पहले अपने कवर करने के लिए खेलोगे, फिर उस लोन को उतारने के लिए खेलोगे, फिर कर्जे उतारने के लिए खेलोगे, इसी में लगे रहोगे जिंदगी भर, ठीक है। तो अगर वीडियो समझ में आई हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत दोस्तों, लव यू ऑल।